मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग एक नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। नो डाउट बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाला है और आई होप सो ये आप लोगों को बहुत आसान भी लगेगा, आपको बहुत मजा आएगा इस यूनिट को करने में। रीजन बिहाइंड, आप वर्क पावर एनर्जी काफी दिन से पढ़ते चले आ रहे हैं, बस जो भी कुछ आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं उसका थोड़ा सा एक्सटेंशन है। तो आई होप सो यू विल एंजॉय द पर्टिकुलर क्लास। पहले हम लोग एज यूजुअल नई यूनिट शुरू हो रही है तो सिलेबस के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे डियर स्टूडेंट्स। ये हमारा सीबीएसई के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 4 है, जिसके अंदर हम लोगों को वर्क एनर्जी एंड पावर ये चैप्टर डिस्कस करना है। ऑलमोस्ट 12 पीरियड्स में ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और इसकी वेटेज है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई 5 मार्क्स। स्टूडेंट्स अगेन ध्यान रहे, ये सारा हमारा क्लासिकल फिजिक्स का पार्ट है, ये सारी की सारी चीजें हमारी क्लियर होंगी तभी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में बात कर पाएंगे, तभी हम लोग फर्दर की जो हमारी क्लासेस हैं 12th की, ग्रेजुएशन की, इंजीनियरिंग की, उन सब के बारे में बात कर पाएंगे। एग्जैक्टली हम ये कह सकते हैं कि सच लाइक दीज यूनिट्स आर ए बिल्डिंग ब्लॉक्स, तो यहाँ से आप जो है फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग शुरू करते हैं, इन सब चीजों की आगे जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। चलिए, तो जैसा कि नाम से पता लग रहा है हम लोगों को वर्क के बारे में पढ़ना है, एनर्जी के बारे में पढ़ना है, एज वेल एज पावर के बारे में पढ़ना है। अब सीबीएसई का हमारा सिलेबस क्या कहता है ये बात अगर हम लोग देखें तो वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, देखिए फोर्स हमारा वेरिएबल हो सकता है, कॉन्स्टेंट हो सकता है, तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो कॉन्स्टेंट फोर्स के बारे में है कि अगर हमारा फोर्स कॉन्स्टेंट है तो उसके लिए वर्क डन का क्या कॉन्सेप्ट होगा। इसके बाद दूसरे कॉन्सेप्ट में वेरिएबल फोर्स की बात करेंगे, यानी कि हम लोगों का जो फोर्स है जहां हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, इट मे बी इंक्रीजिंग और मे बी डिक्रीजिंग, तो उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग एनर्जी के टाइप्स की बात करेंगे, तो एनर्जी के टाइप्स में बेसिकली हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी को पढ़ना है और काइनेटिक एनर्जी का वर्क के साथ में क्या रिलेशनशिप है इसे हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम के नाम से पढ़ेंगे। देन आफ्टर हम लोग पावर के बारे में पढ़ेंगे कि पावर क्या है और पावर जो है वो एनर्जी या वर्क से किस तरह से एसोसिएटेड है, ये हम लोगों को पढ़ना है। फिर हम इसके बाद में देखते हैं तो हम लोगों को डिस्कस करना होगा यहाँ पे क्या नोटेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का नोटेशन किस तरीके से होता है। फिर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग पढ़ेंगे, स्प्रिंग सब लोग समझते हैं जैसे शॉकर्स होते हैं या आप लोग जब चट चट वाला पेन यूज करते हो ना तो पेन के अंदर भी स्प्रिंग होती है, तो स्प्रिंग की जो एनर्जी होगी या पोटेंशियल एनर्जी होगी उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर फोर्सेस की बात करेंगे, तो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव दो तरीके के फोर्सेस होते हैं आप सब लोग जानते हैं, ऐसा हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं, तो यहां हमें कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में बात करनी है डियर स्टूडेंट्स। कंजर्वेटिव फोर्सेस मैं थोड़ा सा रिकॉल करा दूं, कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिनमें वर्क डन का कॉन्सेप्ट हमारा पाथ इनडिपेंडेंट होता है, किस रास्ते से जा रहा है इससे मतलब नहीं है, दो जो हमारे इनिशियल और फाइनल पॉइंट है उनके बीच में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो समझ गए होंगे, रिकॉल कराया बस मैंने। देन आफ्टर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, अब व्हाट अबाउट मैकेनिकल एनर्जी, बेसिकली जो काइनेटिक एनर्जी है और जो पोटेंशियल एनर्जी है अगर इन दोनों का सम मैं कर दूं तो उसे मैं क्या कहूंगा, मैकेनिकल एनर्जी कहूंगा, तो हम लोग मैकेनिकल एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे, बाद में हमने यहाँ दे भी रखा है काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज। देन आफ्टर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात हम लोग करें यहाँ, तो ऐसे फोर्सेस जो पाथ डिपेंडेंट हैं, जस्ट लाइक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अभी हम लोग पीछे पड़ गए हैं, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से होने वाले वर्क डन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की करेक्टरिस्टिक्स, ये सब हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। देन आफ्टर हम कुलीजन की बात करेंगे, देखिए कुलीजन का मतलब होता है टक्कर, मान लीजिए एक बॉडी ये है दूसरी बॉडी ये है, सपोज ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, पीछे वाली जो बॉडी थी यानी ये वाली जो वेलोसिटी थी इसकी वेलोसिटी जो है मान लीजिए ज्यादा है, तो नो डाउट इसमें जाकर के टकराएगी, जब टकराएगी तो टकराने के बाद में मोमेंटम का क्या होगा, एनर्जी का क्या होगा, टकराने के बाद दोनों बॉडीज की वेलोसिटीज क्या क्या होंगी, ये सब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, वन डायमेंशनल कुलिजन की बात कर रहे हैं और टू डायमेंशनल कुलिजन की बात कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स सीबीएसई का जो सिलेबस है ऑलमोस्ट यही सिलेबस है आप लोगों के आईआईटी जेईई मेंस का एज वेल एज नीट का, तो इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, बस कॉम्प्लेक्सिटी लेवल का अंतर होता है जो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, अगर उसमें हम
थर्ड ग्रेड के क्वेश्चंस को कर लें या ऐसे क्वेश्चंस को कर लें जिनमें कई सारे कॉन्सेप्ट एट अ टाइम लग रहे हैं, तो आई होप सो नीट के क्वेश्चंस को करना, जेईई मेंस के क्वेश्चन को करना कोई मुश्किल काम नहीं रह जाता, लेकिन शुरुआत आपकी यहीं से होती है। अगर ये सब कुछ ठीक होगा तो सब कुछ आगे ठीक हो जाएगा। ज्यादातर बच्चे जो होशियार होते हैं पढ़ने में, वो गलती यही कर बैठते हैं कि वो फंडामेंटल्स को करते नहीं है और सीधे सीधे अपर लेवल पे जाने की कोशिश करते हैं। तो कुछ पर्टिकुलर थिंग्स के थ्रू कुछ क्वेश्चंस तो हो जाते हैं, लेकिन 100% क्वेश्चन नहीं हो पाते। और मेरा बात ये होती है कि जहां बच्चा 11th कर गया, 12th कर गया, तो वो आगे बेशक 3 साल लगा देगा नीट के लिए, लेकिन फंडामेंटल्स को दोबारा से पढ़ने की उसकी हिम्मत हो ही नहीं सकती। तो ध्यान रखिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू टाइम, हर काम को करने का एक वक्त है। तो अगर उस वक्त पे आप उस काम को कर लेंगे तो सब कुछ ठीक होगा, और अगर आपने उस टाइम को स्किप कर दिया, उस काम को उस समय पे नहीं किया, तो आगे चल करके उस काम को करना बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, या हम कर नहीं पाते, साइकोलॉजिकली हमारी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फंडामेंटल्स को पढ़ने का जो काम है वो 11th 12th की सो कॉल्ड सीबीएसई क्लासेस, यहां बड़ा मजेदार सा कॉन्सेप्ट है। देखिए, जापान के एजुकेशन सिस्टम को मैं लेता हूं, तो वहां पे जो प्राइमरी और प्री प्राइमरी टीचर्स होते हैं उनकी सैलरी सबसे ज्यादा होती है एज पर माई नॉलेज, बाकी तो आप गूगल करके देख लेना। डियर स्टूडेंट्स, वहां फिर आगे हम लोग बात करें तो आगे वाली क्लासेस के जो टीचर्स होते हैं उनकी सैलरी कंपैरेटिवली कम होती है या बराबर होती है। हमारे यहाँ बड़ा उल्टा है, हमारे यहाँ क्या होता है, जो प्राइमरी लेवल के टीचर्स होते हैं, हमारे साथी होते हैं, उनकी सैलरी कंपैरेटिवली कम होती है। मैं ये नहीं कह रहा बहुत कम होती है, लेकिन कंपैरेटिवली कम होती है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे ज्यादा मेहनत बच्चे के साथ में मैं समझता हूँ प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल पे है, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप लोग नीट की बात करते हैं, आप आईआईटी जेईई की बात करते हैं, तो दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक्स। इसको आप सीबीएसई कहकर के तोहिन ना करें इसकी, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में मतलब सो कॉल्ड मतलब इसको नीचा दिखाने की कोशिश की गई है किसको, सीबीएसई को, जबकि ऐसा नहीं है। सीबीएसई के कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है तो आगे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, और बिना इन कॉन्सेप्ट को क्लियर किए हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आप परेशानी में फंसते रहेंगे, और वापस लौट के इन चीजों को दोबारा से पढ़ना मुझे नहीं लगता किसी भी पर्सन के बस का है। बहुत बड़ा हिम्मत चाहिए उस काम के लिए, लेकिन आज ये अप्रोप्रिएट टाइम है। आप जब फर्स्ट टाइम वर्क फॉर एनर्जी पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से बिल्कुल फंडामेंटल्स के साथ में शुरुआत कीजिए, ऊपर जाने की कोई लिमिट नहीं है। आप मेरी क्लास में देखेंगे तो आपको मेरी क्लास में बिल्कुल कहीं भी कोई भी पॉइंट आउट करने की जगह मिलेगी नहीं, आई कैन गारंटी इट, ठीक है ना। तो सारी चीजों को करते जाइए, और निश्चित रूप से हम लोग उस लेवल की भी बात करेंगे, हम थर्ड लेवल फोर्थ लेवल के क्वेश्चंस की भी बात करेंगे, तो वी होप सो वी विल डू वेल। समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। तो हर क्लास में जैसा मेरा रहता है थोड़ी सी काउंसलिंग पार्ट रहती है, बिकॉज ऑफ मेरे पास पोस्ट ग्रेजुएशन है काउंसलिंग में भी, तो अब ये हर किसी के पास इतना सब कुछ नहीं होता, आप जितना है उतना ही आदमी डिलीवर कर पाएगा, चाहे वो मैं हूं या कोई भी है। मेरे से ज्यादा रखने वाले भी, डिग्रियां रखने वाले, एक्सपीरियंस रखने वाले भी हो सकते हैं, हालांकि मेरा अपना एक्सपीरियंस भी अप्रोक्सीमेटली 27 ईयर्स का हो गया, और क्वालिफिकेशंस तो सब आपके सामने ही है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उन सब चीजों का गुणगान नहीं कर रहा, लेकिन ये फैक्ट है कि आपकी पॉकेट में जितना है आप उससे ज्यादा किसी को नहीं दे सकते, इट इज फैक्ट, तो आप इस बात को समझ लीजिएगा। चलिए, सिलेबस के बाद में बात करना चाहूंगा कि जो हमारा लैब का सेशन होता है, उस लैब के सेशन में हमें क्या करना है। देखिए, यहाँ से एक्सपेरिमेंट हमारे यहाँ कोई नहीं है, लेकिन एक एक्टिविटी है, और ये एक्टिविटी क्या है, ये बेसिकली टू स्टडी द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ ए बॉल रोलिंग डाउन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन यूजिंग डबल इंक्लाइन प्लेन। अगर आप फिजिक्स लैब में गए हो तो फिजिक्स लैब में आपको एक इस तरीके का एपरेटस कई बार रखा हुआ मिलता है, साथ में इसके एक आयरन बॉल मिलती है। आप इस आयरन बॉल को यहां से बिना कोई फोर्स लगाए हुए छोड़ते हो, ये बॉल यहां से ऐसे जाती है, ऐसे जाती है और ऐसे आती है। आपको बेसिकली वर्टिकल हाइट जो है दोनों तरफ की मेजर करके देखनी होती है। अगर ये दोनों तरफ की वर्टिकल हाइट सेम आ रही है, इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपका प्रूव हो गया। कैसे प्रूव हो गया, क्यों प्रूव हो गया, वी विल डिस्कस इट इन इनसाइड आवर सिलेबस। लेकिन ये एक एक्टिविटी है जो हमें डबल इंक्लाइन प्लेन के ऊपर करनी होती है। अब जब आप लैब में जाएंगे तो इस एपरेटस को देखेंगे,
और 2 मिनट का काम है, कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है। ये एक अलग बात है कि हम लोग एक्यूरेसी लाना चाहते हैं तो एक्यूरेसी के लिए इसको बार बार हमें रिपीट करना होता है, डिफरेंट एंगल्स पे करना होता है, बहुत सारी चीजें हैं। वी विल लर्न इट इन प्रैक्टिकल सेशन व्हेन एवर वी विल गो इन आवर लैब। तो ये कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग आगे बात करना चाहेंगे, सबसे पहले एग्जैक्टली वर्क है क्या। देखिए वर्क हम बहुत बचपन से करते चले आ रहे हैं। क्या है वर्क? इज सेट टू बी डन व्हेनेवर ए फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी एंड द बॉडी मूव्स थ्रू सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसका मतलब जब मैं वर्क की डिफाइन दूंगा तो वहां दो चीजों का होना जरूरी है। पहली चीज तो ये कि किसी बॉडी के ऊपर फोर्स काम करे, ये मैंने दे रखा है किसी बॉडी के ऊपर फोर्स काम करे। दूसरी बात ये कि जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया है, जिस पॉइंट के ऊपर मैंने फोर्स लगाया है, उसी डायरेक्शन में वो पॉइंट मेरा मूव कर जाए। तो बच्चों ये दो चीजें जब तक नहीं होंगी तब तक मैं वर्क डन का कॉन्सेप्ट नहीं ले सकता। समझ में आ गया होगा, एक तो किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगना जरूरी है, दूसरा उस बॉडी का फोर्स की डायरेक्शन में मूवमेंट होना, मोशन होना, डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। जब तक ये दोनों इवेंट नहीं होंगी तब तक हम वर्क डन फिजिक्स की लैंग्वेज में नहीं कह सकते। बहुत सिंपल सी बात है। कई बार क्या होता है, हम लोग एक पर्टिकुलर जगह पे खड़े रहते हैं, बोलते रहते हैं, ठीक है, और हम कहते हैं आज तो हमने बहुत काम किया है। डियर स्टूडेंट्स फिजिक्स की लैंग्वेज में वो वर्क नहीं है। बाकी फिजिकली हो सकता है उसमें कुछ एनर्जी, जैसे मैं अभी यहाँ पे कंटिन्यूस बोल रहा हूँ, काफी देर तक मैं एक ही पोजिशन पर खड़ा रहता हूँ तो एनर्जी मेरी कंज्यूम हो रही है, आई नो दिस थिंग। मेरे को थकान भी महसूस हो सकती है, लेकिन इसका मतलब फिजिक्स में मैं नहीं कह सकता कि मैंने वर्क डन किया। तो दोनों बातें क्लियर हो गई होंगी। अब इस चीज को मैं थोड़ा सा और एलोबरेट करना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। बिल्कुल चुनिंदा डायग्राम आप लोगों के लिए डाले हुए हैं। आप ये देखिए कि किसी भी क्लास को प्रिपेयर करने में हम लोगों को काफी कुछ समय लग जाता है। पहले हम कंटेंट तैयार करते हैं, कंटेंट के बाद फिर उसकी अरेंजमेंट होती है, और अरेंजमेंट के बाद फिर हम उसको डिलीवर करते हैं, जिससे कि आपका कोई टॉपिक, आपका कोई कॉन्सेप्ट स्किप ना हो, आपको हर चीज मिल जाए। एग्जैक्टली इसे हम लोग कह सकते हैं लेसन प्लानिंग। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास मान लीजिए एक कोई भी बॉडी है। इस बॉडी में मैं क्या करता हूं, इसका जो सेंटर है इस सेंटर को पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहता हूं, और इस सेंटर के ऊपर या इस पॉइंट के ऊपर मैंने फोर्स ये एफ जो है लगा दिया। अब जिधर मैंने फोर्स लगाया था उसी डायरेक्शन में ये बॉडी मेरी आगे मूव कर गई। तो मुझे जो डिस्प्लेसमेंट लेना है वो सेंटर टू सेंटर लेना है। अब फाइनाइट साइज की बॉडी होती है तो कभी ये गलती नहीं करनी कि इसका आगे वाला हिस्सा ले लो, इसका पीछे वाला हिस्सा ले लो, ऐसा कभी भी नहीं करना है। आप दोनों ही केसेस में इसका सेंटर ऑफ मास कंसीडर करोगे, और सेंटर ऑफ मास या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से ही आप डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे। एग्जैक्टली हियर वर्क डन इक्वल्स टू एफ इंटू एस। तो ये जनरल कॉन्सेप्ट है। अब आप यहां देख रहे हो यहां पर एक वेक्टर का साइन भी लगा हुआ है, इसका मतलब फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सिंपली फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो मेरे को ये लगाना चाहिए। अब मैं इस फॉर्मूले में क्या देखता हूं, एक डिस्क्रिपेंसी देख रहा हूं, एक गलती देख रहा हूं। क्या गलती देख रहा हूं कि एक तरफ तो फोर्स मेरा वेक्टर क्वांटिटी है, दूसरी तरफ वर्क स्केलर क्वांटिटी है, मैं पहले से जानता हूं। अब डियर स्टूडेंट्स ऐसा तो हो ही नहीं सकता, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यहां पर वैलिड नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं, अब देखिए वर्क डन को तो मैं कभी वेक्टर कह ही नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं मुझे ये सोचना होगा कि दिस क्वांटिटी, जिसे मैं डिस्टेंस भी गलती से कह रहा था, तो ये डिस्टेंस नहीं है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, यानी अगेन इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए दो वेक्टर क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन एक स्केलर दे रहा है। अब देखो बच्चों ये सब बातें आप लोग जानते हो, आई नो दिस थिंग वेल, लेकिन आपका यहां से बार बार फंडामेंटल क्लियर होगा। कुछ चीजें हो सकता है पहले आपसे स्किप हो गई हो, तो अब स्किप नहीं होनी चाहिए, आपको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। Exactly whenever two vector quantities are multiplied and answer or result is scalar, hence this is termed as dot product. और जब dot product की बात आती है तो आप लोग लिखते हो W equals to F S cos theta, where theta is an angle between force and displacement. Dear students, यहां अगर हम इस वाले केस में देखेंगे तो फोर्स एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट
बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, और जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो थीटा कितना होता है, जीरो होता है डियर स्टूडेंट्स, जीरो होता है। तो ऐसी स्थिति में वर्क डन मेरे को मिल जाएगा एफ एस कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू होती है कितनी, वन। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर केस में वर्क डन मेरे को मिल गया एफ एस। तो अब यहां एक पर्टिकुलर केस के लिए मुझे यहां पे डॉट प्रोडक्ट अब कहने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑफ डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट लगा करके मैंने कॉस जीरो वैल्यू लगा दी है। चलिए तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट। अगर आप देखेंगे तो इसमें एफ एस मेरा क्या आ रहा है, एक पॉजिटिव साइन लिए हुए आ रहा है। तो आई मे से वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, इस सिस्टम के ऊपर वर्क डन हमने किया है। तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू वर्क डन। अब डियर स्टूडेंट्स मैं आगे बात करूंगा क्या कि मान लीजिए अब जो मेरा फोर्स लग रहा था वो बॉडी में डिस्प्लेसमेंट तो देता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में नहीं देता जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था। अब कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन यहां हो सकता है कि अभी तो सर ने कहा था कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, अब तो सर बात थोड़ी सी अलग कर रहे हैं। नहीं बच्चों, अलग नहीं है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए मैंने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, आपको डायग्राम पे दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट मेरा हुआ सपोज इस डायरेक्शन में। अब नो डाउट फोर्स की डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि फोर्स का ये वाला जो फोर्स है, इस फोर्स का रिजोल्यूशन अगर मैं कर लूं किसकी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट की ही डायरेक्शन में, एंगल थीटा मेरे को प्रोवाइडेड है, तो ये हो जाता है एफ कॉस थीटा। अब दूसरा इसका रिजोल्यूशन क्या होगा, ये होगा एफ साइन थीटा। डियर स्टूडेंट्स बड़ा मजेदार सा कॉन्सेप्ट यहां पे मेरे को मिलता है। जैसे ही मैंने इसको रिजोल्व किया, अब कोई बच्चा ये मत कहना कि सर ये रिजोल्व कैसे होगा, देखो रिजोल्व करना मैं बहुत दिनों से समझा रहा हूं, आना चाहिए आपको। चलिए तो अगर ये मैंने रिजोल्व कर दिया तो अब ये एफ तो खत्म हो गया, एक तो आ गया मेरे पास एफ कॉस थीटा, दूसरा आ गया एफ साइन थीटा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इस बॉडी के ऊपर एक ही समय में दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक कर रहा है f cos थीटा, दूसरा कर रहा है f sin थीटा। तो इसका मतलब वर्क डन भी दो होंगे, तो मैं दो वर्क डन की बात करता हूं। पहला वर्क डन w1 equals to लिख सकता हूं मैं क्या, f sin थीटा into s, ठीक है। दूसरा मैं लिख सकता हूं क्या बच्चों, F sin theta ये अपने आप में एक पूरा फोर्स है बच्चों, ये ध्यान रखना, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब इसी को पहले हम रिजॉल्व कर देते हैं। तो W1 equals to देखिए F sin theta जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का बना रहा है। तो मैं इसे लिख सकता हूं F sin theta डॉट प्रोडक्ट S cos 90। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग किसी बच्चे को लग सकता है, लेकिन नया कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आना चाहिए। देखिए f sin theta पूरा का पूरा एक फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट s है। अब f sin theta और डिस्प्लेसमेंट, देखिए डिस्प्लेसमेंट इधर है और f sin theta इधर है, तो एंगल कितना है इनके बीच में, 90। मैंने अभी फॉर्मूला क्या पढ़ा था, फॉर्मूला पढ़ा था मैंने डॉट प्रोडक्ट वाला f s cos। तो यहां पे cos कितना हो गया, 90 हो गया। अब cos 90 हो गया तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। इसका मतलब वर्क डन हो गया जीरो। कहने का मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इस फोर्स का जो एक कंपोनेंट था F sin theta, ये वाले कंपोनेंट की वजह से वर्क डन कितना है बच्चों, जीरो है। अब मैं जरा दूसरी तरफ बात करता हूं, देखिए फिर समझ लीजिएगा यहां पे, मोर स्टडी मोर कॉम्प्लेक्सेंस, जितना ज्यादा फिजिक्स के अंदर जाओगे उतना ये कॉम्प्लेक्सिटी लेकर के आएगी, लेकिन उस कॉम्प्लेक्सिटी को आप पार कर गए, आगे बढ़ गए, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन 100%। अब दूसरा तरीका होता है फिजिक्स को आसान बनाने का, वो क्या होता है, कम से कम पढ़ो या पढ़ो ही मत। मान लो कोई अकाउंट्स का बच्चा है, उससे पूछो फिजिक्स, वो क्या बहुत आसान है, उसे पढ़नी नहीं है, बहुत आसान है, बहुत ऑब्वियस सा है। तो बच्चों मैंने एक नया कॉन्सेप्ट आपको दिया है, हो सकता है आपकी क्लासेस में ना कराया जाए, तो आप इसको समझना तब आगे बढ़ना, छोड़ना मत। और जो कमजोर दिल वाले बच्चे हैं वो बिल्कुल छोड़ देना, जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं दूसरे वर्क डन की बात करता हूं, दूसरा वर्क डन सपोज W कहता हूं, तो मेरे को यहां पे एक तो फोर्स मिल गया F cos theta, तो ये हो गया जी F cos theta मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट, ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, लेकिन मैं क्या देख रहा हूं, इन दोनों के बीच में एंगल है कितना, जीरो।
तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे अगला जो टर्म मेरा आएगा जिसको मैं कॉस थीटा लिख रहा था, थीटा मैंने पहले से एक नाम ले रखा है, मान लीजिए एक घर में दो बच्चे हैं, अब पहले वाले बच्चे का नाम मान लीजिए हार्दिक है, तो आपको जरूरत तो है नहीं कि दूसरे वाले का भी हार्दिक रखेंगे, जानबूझ के दूसरे का हार्दिक रखेंगे ही नहीं। तो देखो बच्चों, पहले अगर मैंने थीटा ले लिया है तो जो फॉर्मूला मेरा था, मैं पहले फॉर्मूला लिखता हूं यहां पे, तो डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या था, एफ एस कॉस थीटा था, तो मैं थीटा को अब यहां पे फाइव लिख देता हूं। फॉर्मूला जो था उसको मैं क्या लिख देता हूं बच्चों, फाइव लिख देता हूं, ठीक है। तो पहले वाले एंगल का कितना हो गया, फाइव हो गया। तो अब ऐसी स्थिति में क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, ये फाइव हो गया। अब फाइव की वैल्यू यहां पे कितनी है, फाइव की वैल्यू है यहां पे जीरो, और पहले वाले केस में फाइव की वैल्यू कितनी थी, फाइव की वैल्यू थी पहले वाले केस में 90, जिसकी वजह से ये पूरा जीरो हो रहा था। अब डियर स्टूडेंट्स इसकी बात हम करेंगे, तो देखिए एफ कॉस थीटा एस कॉस फाइव, फाइव कितना है यहां पे, फाइव है यहां जीरो, जैसे ही जीरो डिग्री डालेंगे तो कॉस जीरो की वैल्यू होती है वन। अल्टीमेटली ये जो W2 मेरे को मिल गया, ये मिल गया F cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई S। डियर स्टूडेंट्स इसको मैं लिख सकता हूं F cos थीटा। अब मैं वहां आता हूं जहां जनरली क्लासेस में काम होता है। क्या काम होता है, सीधे सीधे बताया जाता है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। वहां W1 और W2 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो ये आपका फंडामेंटल क्लियर करने के लिए मैंने यहां पे W1 और W2 दो केसेस लिए हैं। आपके यहां सिर्फ और सिर्फ एक ही केस आता है, वो ये आता है। इसको लोग इग्नोर कर देते हैं कि ये तो जीरो ही आ रहा है, तो इसको क्या बताना है। तो बच्चों ये आ गया W2 equals to F cos theta। टोटल वर्क डन की बात करेंगे तो टोटल वर्क डन बच्चों क्या होगा, टोटल वर्क डन मेरे पास होगा क्या, W1 plus W2। अब देखिए W1 तो मेरा जीरो था, पहले ही मैं निकाल चुका हूं, तो W जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो W2 का मेरा इक्वेशन आया है, फॉर्मूला आया है, उससे गवर्न होगा, ठीक है। तो अब मैं बच्चों इसको ब्रीफ करना चाहूंगा। ब्रीफ करने के लिए जो वो चीज बताऊंगा जो कंपैरेटिवली आपको आसान लगेगी, देखिए क्या है, जरा हम लोग फर्दर समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। बड़ा सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट मैं निकाल के लाऊंगा इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और वो कंपोनेंट होगा हमेशा एफ कॉस थीटा। तो वर्क डन मेरे पास हो गया फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स, देखिए पूरा फोर्स तो काम कर नहीं रहा, कौन सा फोर्स काम कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एफ कॉस थीटा काम कर रहा है। तो मैं एफ की जगह पे डालूंगा एफ कॉस थीटा और इसको लिखूंगा एस, इस तरह से मेरा फॉर्मूला बन जाएगा एफ एस कॉस थीटा। यहां थीटा क्या है, थीटा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। अब यहां ये हमें थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है डियर स्टूडेंट्स कि हम इसको एफ कॉस थीटा एस लिखें या एफ एस कॉस थीटा लिखें। इसका मतलब क्या हुआ, मैं जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए फोर्स है ये डिस्प्लेसमेंट है, तो मैं या तो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ले जाऊं, तब भी वही बात है, या मैं फोर्स का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ले जाऊं, तब भी वही बात है। दोनों केसेस में एक ही बात है, यानी आप इस cos थीटा को या तो s के साथ लगा दो या तो f के साथ लगा दो, कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। आई होप सो अब ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन जिनको नीट करना है, जिनको जेईई मेंस करना है या एडवांस करना है, उनको पहले वाला कॉन्सेप्ट जरूर समझ लेना चाहिए, वो बहुत जरूरी चीज है आपके लिए। चलिए तो डियर स्टूडेंट्स दैट्स द कॉन्सेप्ट। अब मैं समझता हूं फॉर्मूला आपको आसान हो गया होगा। यहां पे जो पहले वाला केस था वो बिल्कुल फिर क्लियर हो जाता है, क्या था कि जिधर फोर्स उधर ही डिस्प्लेसमेंट, थीटा हो गया जीरो, जैसे ही मैं इसमें थीटा जीरो डालता हूं तो मेरे को क्या मिल जाता है, एफ एस मिल जाता है जो पॉजिटिव है। तो मैंने इससे पिछले वाले केस में जब एक ही लाइन में दोनों चीजें थी तब कहा था कि मेरा वर्क डन जो है कैसा है, पॉजिटिव है। चलिए अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स। ये जो फॉर्मूला मैंने आपको यहां पे डिस्क्राइब किया है, समझाया है, इस चीज को यहां लिखा है वर्क डन इक्वल्स टू कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ये मैंने यहां पे फॉर्मूला आपको लिख दिया है जिससे कि कभी कोई प्रॉब्लम ना आए।
अब हम लोग डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ना चाहेंगे, बड़ा बहिरा सा कॉन्सेप्ट हम लोगों को मिलने वाला है। ये मिल गया, वेक्टर नोटेशन भी मिल गया, कंपोनेंट्स की टर्म्स भी मिल गया। ऊपर f cos थीटा * s लिखा है, नीचे fs cos थीटा लिखा है। जैसा मैंने बताया कि यहां हमें ये एडवांटेज मिल जाता है कि हम इस cos थीटा को f के साथ भी लगा सकते हैं या s के साथ भी लगा सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। जिन्होंने पहले क्लासेस ले रखी हैं उनको तो ये बहुत आसान लग रहा होगा, बढ़िया लग रहा होगा, बिकॉज ऑफ जब हमने डॉट प्रोडक्ट कराया था तो ये सारी की सारी चीजें आपको करा रखी हैं। फिर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, ये है नेचर ऑफ वर्क डन इन द डिफरेंट सिचुएशन। डियर स्टूडेंट्स तीन ही सिचुएशन हो सकती है, कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती है अभी जरा हम लोग समझते हैं, नेचर की बात हम लोग करेंगे। चलिए तीन सिचुएशन कौन कौन सी होती है पहले मैं ये आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टूडेंट्स ये सिचुएशन हो सकती है कि मान लीजिए ये फोर्स की डायरेक्शन और ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, यानी दोनों के बीच में एंगल जीरो। दूसरी सिचुएशन हो सकती है ये फोर्स की डायरेक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, ये बात अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में थीटा इक्वल्स टू 90। तीसरी सिचुएशन हो सकती है ये फोर्स की डायरेक्शन और ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, कहने का सीधा सा मतलब ये जो एंगल बन रहा है थीटा बन रहा है, ये थीटा मेरा क्या है ग्रेटर देन 90 है। ये तीन सिचुएशन मैंने बताई। अब तीनों सिचुएशन ये केस में हम जानते हैं यहां पे कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, यहां पे कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, और यहां पे कॉस 90 से बड़ा है, कॉस 90 से बड़ा है तो ऐसी स्थिति में एक नेगेटिव साइन के साथ में वैल्यू आएगी। तो ऑब्वियसली डियर स्टूडेंट्स यहां पे वर्क डन मेरा पॉजिटिव हो गया, यहां पे वर्क डन जीरो हो गया और यहां पे वर्क डन नेगेटिव हो गया। तो उन्हीं तीन चीजों को लेकर के एक्सप्लेनेशन है पॉजिटिव वर्क डन का। इसकी एक्सप्लेनेशन बड़ी सिंपल सी है, पॉजिटिव वर्क डन हम तभी कहेंगे जब हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है थीटा है वो लेस देन 90 हो, यानी 90 डिग्री से छोटा हो। क्योंकि 90 डिग्री या इससे बड़ा होने पर जो कॉस की वैल्यूज हैं वो या तो जीरो हो जाती है या तो नेगेटिव में चली जाती है। आप लोगों को याद होगा जो एडवांस कर रहे हैं उन्होंने ये चीज देखी होगी कॉस कर्व के बारे में, आप जानते होंगे ये कॉस का कर्व कुछ इस तरीके से होता है, जहां जीरो डिग्री एंगल है वहां पे मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, और जहां 90 डिग्री एंगल है वहां पे जीरो वैल्यू मिलती है, जहां पे मेरा 180 डिग्री एंगल है वहां पे माइनस का 1 मिलती है, फर्दर व्हाटएवर सो। तो आप जानते होंगे इन चीजों को, तो वही चीज मैंने बताई है यहां पे सिंपलिसिटी में। आप ये समझ सकते हैं कि अगर थीटा की वैल्यू यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल है इसकी वैल्यू लेस देन 90 है तो पॉजिटिव वर्क डन होगा। बस सिंपल सी बात कि अगर एंगल की वैल्यू लेस देन 90 है तो वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब अगला केस हम लोग लेते हैं जिसमें हमारा नेगेटिव वर्क डन का कॉन्सेप्ट आता है। नेगेटिव वर्क डन के कॉन्सेप्ट में क्या है कि जिधर मैंने फोर्स लगाया फोर्स से 90 डिग्री से ज्यादा एंगल के साथ में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, अगर मेरा थीटा, ये देखिए यहां पर मैंने हाईलाइट कर रखा है, अगर मेरा थीटा ग्रेटर देन 90 है तो मेरा वर्क डन हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स कैसा, नेगेटिव। फिर तीसरी बात मैं यहां पे करता हूं, तीसरी बात में क्या है कि अगर एग्जैक्टली डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है तो ऐसी स्थिति में वर्क डन जीरो होगा। ये केस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, वन मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत जगह पूछा जाता है, सेंटीपीटल फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। अगर मान लीजिए कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो देखिए सेंटीपीटल फोर्स जो होता है वो रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन में यानी टूवर्ड सेंटर होता है, और जो वेलोसिटी है वो इसके टेंजेंट होती है। जब वेलोसिटी इसके टेंजेंट होती है तो डिस्प्लेसमेंट भी टेंजेंट होता है, जब डिस्प्लेसमेंट टेंजेंट होता है तो इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल 90 होता है, यानी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री हो गया तो वर्क डन कितना हो गया डियर स्टूडेंट्स, जीरो हो गया। तो किसी भी सर्कुलर मोशन में सेंटीपीटल फोर्स की वजह से वर्क डन जीरो होता है, सीधे सीधे से कॉन्सेप्ट। जो बच्चे रोट मेमोरी में डालना चाहते हैं डाल लें, लेकिन समझना जरूरी है कि सेंटीपीटल फोर्स की वजह से हमारा वर्क डन जीरो क्यों होता है।
आई होप सो आपको समय में आ गया होगा। अब कुछ और आसान वाली बातें, आसान वाली बातों में हम लोग डाइमेंशंस की बात करेंगे, इसके यूनिट्स की बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जब भी कोई नई क्वांटिटी आए, हालांकि बावजूद कोई नई क्वांटिटी तो आपके लिए है नहीं, लेकिन फिर भी आज मान लीजिए कंटेंट में नई क्वांटिटी आई है, तो इसकी हमें डाइमेंशंस और यूनिट के बारे में जान लेना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। देखिए, डाइमेंशंस वर्कडन हम निकालेंगे वही फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से। फोर्स की डायमेंशन डाली, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन डायमेंशन डाली, तो हमारे पास मिल गया एम एल टू टी माइनस टू। यूनिट की बात करें तो सिंपल सा, यूनिट की बात करें तो देखिए, अब यूनिट में क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स की यूनिट दो तरह की हो सकती है, एक हो सकती है एब्सोल्यूट यूनिट और एक हो सकती है ग्रेविटेशनल यूनिट। अब कोई बच्चा कहेगा ये क्या होता है जी। बच्चों, शुरू से सारी क्लास लो, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको दिमाग में अराइज हो जाए। 100% सॉल्यूशन मेरी क्लासेस के अंदर है, लेकिन कंडीशन एक ही है कि बिगनिंग से आपकी सारी क्लासेस कंटिन्यूअस होनी चाहिए। स्किपिंग ऑफ क्लास किसी भी हाल में एक्सेप्टेबल नहीं है, और जो बच्चे स्किपिंग ऑफ क्लास करते हैं फिजिक्स में, वो फिजिक्स पढ़ने लायक नहीं है। बिल्कुल सिंपल सी बात, चाहे वो क्लासेस कोई भी हो। चलिए, तो मैं बात करना चाहूंगा यहां पे फोर्स की एब्सोल्यूट यूनिट के बारे में, तो ये होती है न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है क्या, मीटर। तो बच्चों, न्यूटन इनटू मीटर, इन दोनों को मिला करके नया नाम दे दिया क्या, जूल। अब इसको कोई और भी एलोबरेट कर सकता है डायमेंशन के अकॉर्डिंग। डायमेंशन के अकॉर्डिंग क्या है, मास के लिए किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर स्क्वायर, टाइम के लिए माइनस का सेकंड टू या अपॉन में सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम, मीटर स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर, इसको मैं क्या कहता हूं, जूल कहता हूं, या इसी को मैं न्यूटन इनटू मीटर कहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, तो वर्क डन की जो एसआई यूनिट सिस्टम है, एसआई में भी एब्सोल्यूट यूनिट सिस्टम है, उसमें यूनिट होती है जूल या न्यूटन मीटर या किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो दैट्स अ कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू यूनिट ऑफ वर्क। आई होप सो डियर स्टूडेंट्स, अब हमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जो भी कुछ मैंने यहाँ आपको एलोबरेट किया है, समझाया है, वो सब लिख रखा है। ये हमारे नोट्स की खासियत है, क्लास लेक्चर्स की खासियत है, कि जो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको एग्जाम में लिखना कैसे है वो साथ साथ आगे दे रखा है हमने। तो आपको पूरा फोकस रखना है अंडरस्टैंडिंग पे, बाकी लिखना कैसे है आपके सामने है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं नोट्स बंद करके रख दो, आपको ये नोट्स प्रिंटेड फॉर्मेट में मिल रहा है, तो ये बंद करके नहीं रखने हैं बच्चों। नोट्स की हेल्प लो, लेकिन आप हमेशा कम से कम दो बार तीन बार इन चीजों को लिख लिख के देखो। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, फिर आपके हाथ लिखेंगे, दिमाग अगर एग्जाम में सो भी जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चों, प्रैक्टिस आपने करनी ही करनी है, बुक बंद करके, नोट्स बंद करके इन चीजों को आपने लिखना ही लिखना है। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो ये कॉन्सेप्ट मेरा आ गया जो मैंने अभी समझाया था। अब मैं सीजीएस यूनिट सिस्टम में जाता हूं, हालांकि अब सीजीएस यूनिट सिस्टम की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी कई बार वो हम लोगों से डिस्कस कर लेता है। डियर स्टूडेंट, जैसे जूल था वैसे ही अर्ग है सीजीएस यूनिट सिस्टम में। अर्ग में हम लोग क्या करेंगे, वही डायमेंशन उठा लेते हैं। क्या था, एम एल टू टी माइनस टू, ये डायमेंशन थी। अब अगर मैं सीजीएस में जाता हूं मास के लिए, तो ये होता है ग्राम, लेंथ के लिए जाता हूं तो सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम के लिए जाता हूं तो पर सेकंड स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा। तो डियर स्टूडेंट, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेकंड स्क्वायर अगर मैं डालता हूं तो दैट विल बी टर्म्ड एज वन अर्ग। और वन अर्ग को अगर मैं न्यूटन और मीटर के टर्म्स में देखने की बात करूं, तो जहां न्यूटन था उसकी जगह पे डाइन आ जाता है, और जहां मीटर था उसकी जगह पे सेंटीमीटर आ जाता है। यानी हम लोग एब्सोल्यूट यूनिट फोर्स की बात करते हैं सीजीएस यूनिट सिस्टम में, तो दैट इज डाइन। और सीजीएस यूनिट सिस्टम में अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की यूनिट की बात करते हैं तो दैट इज सेंटीमीटर। आई होप सो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। डाइन इंटू सेंटीमीटर क्या होगा, अर्ग होगा, या ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेकेंड स्क्वायर क्या होगा, अर्ग होगा। तो ये दोनों एब्सोल्यूट यूनिट्स मैंने आप लोगों को समझा दी। अब डियर स्टूडेंट्स, आपकी फर्स्ट यूनिट हो या ये वाली यूनिट हो, आसान वाला एक क्वेश्चन बनता है कि
कि जूल को क्या करो, अर्घ के साथ में क्या कर दो, अर्घ के साथ में कंपेयर कर दो। तो बच्चों देखो कंपेयर कर देते हैं हम, जूल लिखते हैं 1 न्यूटन और 1 मीटर, और इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो 10^9 और 10^2 सेंटीमीटर, मीटर को 10^2 सेंटीमीटर, न्यूटन को 10^5 डाइन, इस तरह से आ गया ये 10^7 डाइन सेंटीमीटर, या इसी को हम लोग कहते हैं क्या, अर्घ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब नीचे थोड़ा सा यहाँ पे 1 जूल इक्वल्स टू, ये 10^7 अर्घ होता है डियर स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इस प्रिंटिंग मिस्टेक को मैं साथ ही साथ क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। तो मे बी आपके नोट्स में ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो तो आप लोग इसको सही कर लेंगे, आई होप सो। और भी अगर वैसे तो नोट्स बिल्कुल रेक्टिफाइड है, लेकिन इट मे बी कि नोट्स में अगर आपको कहीं कोई डिस्क्रेपेंसी इस तरह की मिलती है देन यू हैव टू टेल मी, तो आई विल करेक्ट इट। तो डियर स्टूडेंट्स ये रिलेशन होता है हमारा। अब हम लोग आगे बढ़ना चाहेंगे क्या ग्रेविटेशनल यूनिट के टर्म्स में। नो डाउट जब हम फोर्स की बात करते हैं, फोर्स हम लोगों को ग्रेविटेशनल यूनिट के टर्म्स में भी मिलता है। जब ग्रेविटेशनल यूनिट के टर्म्स में हम लोगों को फोर्स मिलता है तो हम फिर इसको लिखना चाहेंगे। देखिए अगेन वर्क डन का कॉन्सेप्ट क्या था डियर स्टूडेंट्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट था। फोर्स को जब ग्रेविटेशनल यूनिट में, वो भी ऐसा यूनिट सिस्टम में लिखता हूं, तो मेरे को मिलता है 1 किलोग्राम वेट, और जब मैं डिस्प्लेसमेंट को लिखता हूं तो ये मिलता है 1 मीटर। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 9.8 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर, ये हो गया 1 kgm इक्वल टू 9.8 जूल। आई होप सो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। एग्जैक्टली WT लिखते हैं, कई सारी बुक्स में इसको KGF भी लिखते हैं, तो KGF लिखा हो या KGWT लिखा हो, दोनों का मीनिंग एक ही है, और इस WT या F की जगह पे हम लोगों को 9.8 डालना होता है। एग्जैक्टली दिस 9.8 इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सी लेवल, तो ये हमें एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी डालना होता है 9.8। इस तरह से हम लोगों को 1 किलोग्राम मीटर मिलता है 9.8 जूल के बराबर। ये कब की बात है, जब हम लोग ग्रेविटेशनल यूनिट की बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, और ग्रेविटेशनल में भी कौन सी है, SI है। तो आई होप सो आपको क्लियर हो गई होगी। अब जिन बच्चों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं ले रखी है, जिनको ग्रेविटेशनल यूनिट्स का फंडा क्लियर नहीं है, उनको थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन समझ में आ जाना चाहिए। अब मैं बात करता हूं किसकी, ग्रेविटेशनल यूनिट ही लूंगा लेकिन CGS की लूंगा। किसकी लूंगा डियर स्टूडेंट्स, CGS की लूंगा। तो CGS के लिए अगर मैं ग्रेविटेशनल यूनिट की बात करता हूं तो देखिए क्या होता है, जहां मैंने इसको ऊपर लिखा था KGWT, अब मैं लिखूंगा GWT ग्राम वेट। CGS में किलोग्राम की जगह पे ग्राम, वेट अपनी जगह पे, ये सेम सिग्निफिकेंस रखता है। यहां WT मेरे को SI का लेना है और यहां WT मेरे को CGS का लेना है। 1 मीटर की जगह पे 1 सेंटीमीटर, तो आई होप सो जैसे ही यहां WT आता है मैं इसको GF भी लिखता हूं। क्या लिखता हूं डियर स्टूडेंट्स, GF। तो ये GF का मतलब गर्लफ्रेंड नहीं है, ये ग्राम है और ये फोर्स है, और ये GWT बात एक ही है, दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है। यहां F का मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इन CGS, डिसाइड कौन कर रहा है, ये ग्राम कर रहा है। अगर ग्राम है तो ये भी CGS में लेना है, ठीक है, ये ग्राम है तो ये भी CGS में लेना है। तो एग्जैक्टली G स्टैंड फॉर 981 या 980, जो भी वैल्यू आप लोगों की बुक्स में मिल जाती है CGS यूनिट सिस्टम में, किसकी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की। तो सिंपली आई हैव पुट हियर 980 × 1 सेंटीमीटर, दैट इज 980 अर्घ। तो आई होप सो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ज्यादातर आप लोगों के यहाँ एग्जाम में एब्सोल्यूट यूनिट डिस्कस होती है, ग्रेविटेशनल यूनिट बहुत कम डिस्कस होती है, लेकिन फिर भी चूंकि आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी साथ साथ ये फंडामेंटल्स या बेस तैयार करना है, तो ये सब बातें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। बाकी तो बड़ी सिंपल सी बात है, 1 घंटे की क्लास लो, उसमें आधा घंटे खड़े रहो या फोन पे बात करते रहो, ये सब चीजों को बताने की जरूरत ही नहीं है। तो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, या फिर आजकल एक ट्रेंड चल रहा है लाइक करो शेयर करो लाइक करो शेयर करो, तो इन सब चीजों को बताने की जगह पे लाइक करो शेयर करो करते रहो करते रहो करते रहो, फिर 2 साल बाद 3 साल बाद पता लगेगा क्या किया हमने।
जल्दी रिजल्ट्स नहीं आते, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहें, सचेत रहें कि हमें करना है क्या। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो ग्रेविटेशनल यूनिट्स का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करना चाहेंगे वर्क डन की रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के टर्म्स में। यहां तक की सारी बातें ऑलमोस्ट नाइन्थ में आप करके आए होते हो, लेकिन अब जो कॉन्सेप्ट हम लोग करने जा रहे हैं वो प्योरली 11th को बेस करके है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के टर्म्स में है। डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए रेक्टेंगुलर टर्म्स के कॉन्सेप्ट में हम लोग किस तरीके से इसको करते हैं। देखिए, मेरे पास फोर्स था और डिस्प्लेसमेंट था। अब मैंने फोर्स को तीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के टर्म्स में लिख दिया। मान लीजिए ये फोर्स है, अब इसका एक कंपोनेंट यहां पे x डायरेक्शन में, दूसरा y डायरेक्शन में और तीसरा z डायरेक्शन में। अब इसकी डायरेक्शन देने के लिए मैंने i कैप कह दिया, इसकी डायरेक्शन देने के लिए j कैप कह दिया और इसकी डायरेक्शन देने के लिए मैंने स्मॉल k कैप कह दिया। तो सिंपली मैंने फोर्स को तीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेकअप किया है। बिल्कुल इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट को तीन मैंने कंपोनेंट्स में ब्रेकअप कर दिया। अब मेरे पास फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है मेरे पास डॉट प्रोडक्ट को लेकर के। किसको लेकर के? डॉट प्रोडक्ट को लेकर के। डियर स्टूडेंट्स, तो डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है क्या पता है? x वाला x के साथ वैल्यू देता है, y वाला y के साथ वैल्यू देता है, z वाला z के साथ वैल्यू देता है, बाकी जो मल्टीप्लीकेशन होंगे वो सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। क्यों जीरो हो जाएंगे? जब आप x को y से मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, तो cos 90 हो गया, जीरो हो गया। y को z के साथ मल्टीप्लाई करोगे तब भी बीच का एंगल 90 हो गया, 90 हो गया तो cos 90 फिर जीरो हो गया। कहने का मतलब fx sx, fy sy और fz sz, ये आपको वैल्यूज मिलने वाली हैं वर्क डन की। तो डायरेक्टली आप लोग इसको कंसीडरेशन में ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगेन यहां पे एक जगह गलती से क्या लिखा हुआ है? P लिखा हुआ है, तो आई विल क्लियर इट। मैं इसको क्या कर देता हूं? इसको भी फोर्स कर देता हूं। तो ये छोटी छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक्स है, मे बी ये जो हमारे टाइपराइटर महोदय हैं उनकी वजह से कई बार हो जाती है, नहीं ध्यान रहता उनको, बट वी हैव टू क्लियर देम। तो ये हो गया होगा आई होप सो। तो आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के टर्म्स में वर्क का कांसेप्ट मिल गया। अब इसमें कोई बच्चा कहता है जी कि z नहीं है, अरे भैया z वाला छोड़ दो। कोई कहता है जी y नहीं है तो y वाला छोड़ दो। कोई कहता है जी x नहीं है, छोड़ दो। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि x y z में से कोई भी नहीं है। जब x y z में से कोई भी नहीं है तो डिसिसिव बात है बच्चों, फिर तो वर्क डन ही नहीं है। वर्क डन ही नहीं है तो ऑब्वियसली फिर क्या लिखोगे? फिर तो कुछ लिखना ही है। तो डियर स्टूडेंट्स, कोई ना कोई एक या दो कंपोनेंट तो होंगे ही होंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तीनों ही कंपोनेंट या हो एब्सेंट हो, कोई भी दो जरूर होंगे। तो आई होप सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, थोड़ा नया सा है, हालांकि जिन लोगों ने वेक्टर्स वाली क्लास ले रखी है उनको पहले से क्लियर है। चलिए अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट्स। आगे बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट मेरे को मिलता है। एज यूजुअल हम लोग जानते हैं कि कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद अगर हमारा न्यूमेरिकल हो जाए तो समझ लो कि हमें वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, और नहीं हो तो फिर समझ लो नहीं हुआ। अब ये फिजिक्स है, थोड़ी टेढ़ी तो होती है डियर स्टूडेंट्स, और जानबूझ करके मैं यहाँ पर क्वेश्चंस भी टेढ़े ही डालता हूँ, जिससे कि हर क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ सिखा दूं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, आसान क्वेश्चन तो कोई भी कर लेता है डियर स्टूडेंट्स। आसान क्वेश्चन को करके आसान थोड़ी ना बनाना है फिजिक्स को। फिजिक्स में तो मुश्किल वाले क्वेश्चंस को जिनमें कॉन्सेप्ट लगा पड़ा है उनको पढ़ने के बाद फिजिक्स को आसान बनाना है, दैट्स माय मोटिव। चलिए क्वेश्चन क्या है? वो कहता है जी ए साइक्लिस्ट कम टू स्किडिंग स्टॉप इन 10 मीटर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फोर्स ऑन साइकिल ड्यू टू रोड इज 200 न्यूटन। हो क्या रहा है? समझ गए होंगे, ये कोई साइकिल वाला बंदा है, ठीक है भाई, और ये साइकिल वाला बंदा जो है वो आगे जा रहा था, नीचे क्या है? ये रोड है। अब आगे उसने कुछ देखा तो ब्रेक लगा दिए जी, बिल्कुल ब्रेक लगाए, पावर ब्रेक वाले, स्टंट वाले। तो क्या हुआ? ये साइकिल जो है वो ऊपर नहीं उठी, खैर रोड के ऊपर ही क्या कर रही है? स्किड कर रही है, और स्किड करते हुए 10 मीटर तक आगे बढ़ गई। तो बच्चों नो डाउट जब ब्रेक लगाए तो फोर्स भी लगा,
और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। जब फोर्स भी लगा डिस्प्लेसमेंट भी हुआ तो ऑब्वियस है वर्क डन भी होगा, जब वर्क डन होगा तो वही मेरे को निकालना है। लेकिन अब इसमें कॉन्सेप्चुअल क्या है वो जरा हम समझते हैं और उसको हमने यहां पे हाईलाइट भी कर रखा है। यहां समझने की बात है, वो क्या कहते हैं, साइक्लिस्ट कम टू स्किडिंग स्टॉप इन 10 मीटर, ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस फोर्स ऑन साइकिल ड्यू टू रोड, फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, साइकिल के ऊपर लगा रहा है, कौन लगा रहा है, रोड लगा रहा है, ये बात यहां समझनी है। मैग्नीट्यूड टू मैग्नीट्यूड है ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट है यहां पे, देखो फॉर्मूला तो सब जानते हैं, एफ एस कॉस थीटा होता है सब जानते हैं ठीक है, मल्टीप्लाई भी कर दोगे आंसर भी आ जाएगा, 200 को 10 से मल्टीप्लाई किया 2000 आ गया ठीक है। लेकिन ये एक्चुअल में वो नहीं पूछ रहा, 2000 तो आ जाएगा सबका आ जाएगा, लेकिन वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है हाउ मच वर्क डज द रोड ऑन द साइकिल, रोड जो है वो साइकिल के ऊपर वर्क डन कितना कर रहा है। अब देखो बच्चों बड़ा मजेदार सी बात है भाई, रोड फोर्स लगा रहा है ऐसे तभी तो साइकिल रुक रही है, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऐसे, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, बस यही मुझे समझाना था, इसका जो की कॉन्सेप्ट था क्वेश्चन का सिर्फ इतनी सी बात थी, इसके लिए मैंने इसको हाईलाइट किया, बाकी सॉल्यूशन तो आगे दे रखा है। तो बच्चों फोर्स कौन लगा रहा है, फोर्स ऑन साइकिल कौन लगा रहा है, रोड लगा रहा है, डायरेक्शन क्या होगी डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट, तभी तो रुकेगी, अगर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही रोड ने फोर्स लगाना शुरू कर दिया तो ऑब्वियस है फिर तो रुक ही नहीं सकती, बस ये बात मुझे समझानी थी डियर स्टूडेंट्स। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या है, हाउ मच वर्क डज द साइकिल डू ऑन द रोड, साइकिल रोड के ऊपर कितना वर्क डन कर रही है। अरे भैया क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ो, क्या साइकिल फोर्स लगा रही है, नहीं लगा रही। जब साइकिल फोर्स नहीं लगा रही तो एफ इंटू एस जब करोगे और साइकिल कोई फोर्स नहीं लगा रही, जीरो है, तो वर्क डन जीरो हो गया, तो दूसरा आंसर जीरो है। अब डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन बिल्कुल चुनिंदा होते हैं, बिल्कुल हर किसी क्वेश्चन के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है। तो अगेन आई विल लाइक टू स्टेट और आई विल लाइक टू गाइड, आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं, नीट के लिए कर रहे हैं, जेई के लिए कर रहे हैं, क्लैट के लिए कर, कुछ भी कर रहे हैं आप लोग, फिजिक्स में आपने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को जरूर करना है। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3 तरह की होती है, नॉर्मल एक्सरसाइज, एडिशनल एक्सरसाइज और एग्जेम्पलर एक्सरसाइज। अगर आपने तीनों एक्सरसाइज प्रॉपर कर ली फिजिक्स के हर चैप्टर की, हर कॉन्सेप्ट की, तो आपका नीट में और जेईई में सिलेक्शन 100%, लिख लेना इस बात को। बाकी आप क्या करते हो, मेरे नोट्स, तेरे नोट्स, विद्या मंदिर के नोट्स, फिर जी के नोट्स, आकाश के नोट्स और यहाँ के नोट्स और वहां के नोट्स, पता नहीं क्या क्या करते रहते हो, जो करना चाहिए वो करते नहीं हो। आप सब कुछ करो, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी की एक्सरसाइज जरूर करो, दैट्स माई गाइडेंस फॉर ऑल ऑफ यू। अभी बिगिनिंग है आप लोगों की, 2-3 महीने हुए हैं आपको पढ़ते हुए, अभी भी समझ जाओगे सब कुछ ठीक है, अगर आप भटकते रहोगे इधर से उधर तो सब कुछ गड़बड़ है। पढ़ो कहीं से भी, नोट्स कोई से भी पिक कर लो, लेकिन एक्सरसाइज हमेशा एनसीईआरटी की जरूर करो। तो बच्चों ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन भी कर रखा है, क्रेडिट गोज़ टू एनसीईआरटी नॉट फॉर मी, लेकिन इसमें समझने वाली क्या बात थी वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन से बहुत सारे फंडामेंटल्स आपको मिलते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज में, आप अगर उनको डन कर लेंगे तो सब कुछ ठीक होगा। तो अब देखिए एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, इसको कैसे लिखना है एग्जाम में ये यहाँ पे दे रखा है, इवन सॉल्यूशन के अंदर भी मैंने हाईलाइट किया, तो जब आप अपने एग्जाम में लिखोगे, और बच्चों आता है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे ही डाल दिया है, ये आता है आपके एग्जाम में, अगर आपके एग्जाम में आता है तो एग्जामिनर खुश हो जाएंगे अगर आपने इन हाईलाइटेड वर्ड्स को अंडरलाइन करके हाईलाइट कर दिया। बच्चों पहले आंसर में 180 डिग्री का एंगल का कॉन्सेप्ट है, आई होप सो आपको समझ आ गया होगा, जिसकी वजह से माइनस का साइन अगेन यहां पे हाइलाइटेड है, 2000 तो सबको आ जाता है, लेकिन ये माइनस क्यों आया, इवन दैट इसका एक्सप्लेनेशन भी यहां पे जरूरी है। देन आफ्टर सेकंड पार्ट में मेरा वर्क डन जीरो क्यों आया, इसको भी मैंने यहां पे अंडरलाइन कर रखा है, आपको स्पेशल कलर के साथ में दिखा रखा है। हाउएवर द रोड अंडरगोस नो डिस्प्लेसमेंट, बात एक ही है, फोर्स कौन लगा रहा था, रोड लगा रहा था, लेकिन रोड में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, ऐसे भी आप लोग इस बात को कह सकते हो। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट सम क्वेश्चंस, 2 or 3 क्वेश्चंस यहां पर हमने आगे दे रखे हैं, आई होप सो यू हैव टू डू ऑल दीज क्वेश्चंस कंफर्टेबली ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को करेंगे और जो भी मैंने आपको वर्ड्स बोले हैं उनसे 100% ये क्वेश्चंस हो जाएंगे, अगर नहीं होगा तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यू मे कॉल ऑन व्हाट्सएप और यू में
कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत होगी, बाकी सॉल्यूशन में रखा है, सॉल्यूशन देख के भी अगर आपको समझ में आ जाए तो कोई उसमें बुराई नहीं है, आप सॉल्यूशन देख के भी कर सकते हैं, क्वेश्चन सारे के सारे सिलेक्टेड है। ये क्वेश्चन कम से कम आप लोग करेंगे तो आपकी फाइनेंशियलिटी एक्सरसाइज पूरी की पूरी बड़े मजे से हो जाएगी। तो बच्चों आज की क्लास को मैं यहीं ओवर करता हूं, बाकी की क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।